विद्यार्थियों, इस क्लास में हम पढ़ेंगे आज भाषा कंप्यूटिंग। भाषा कंप्यूटिंग एक कंप्यूटर से संबंधित टॉपिक है, जिसमें हम ये जानेंगे कि कंप्यूटर किस तरह से हमें एक भाषा में सहायता दे सकता है। कंप्यूटर हमारी हर तरह से सहायता कर सकता है, क्योंकि कंप्यूटर में इस तरह के कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो एक भाषा को लिखने में, उसको उसका जो है मुद्रित रूप प्राप्त करने में हमारी बड़ी सहायता कर सकता है। जिस तरह से कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर हमें मिलता है, वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर में कई तरह के ऐसे ऑप्शन हमारे पास है, ऐसे विकल्प हमारे पास हैं जिनके द्वारा हम यह तय कर सकते हैं या इस तरह से उसमें कार्य कर सकते हैं कि उसका जो मुद्रित रूप है वो एक सुंदर और बिना किसी गलती के, बिना किसी कांट छांट के प्राप्त कर सकते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग में कार्य करने के लिए सबसे पहले जो आता है, वह सबसे पहले उसमें है कि किस तरह से एक डॉक्यूमेंट को तैयार किया जाए। एक डॉक्यूमेंट को तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें एक फाइल मेनू में जाना होता है, जहां हमें न्यू का एक विकल्प मिलता है। फाइल मेनू के अंदर न्यू नाम का एक विकल्प मिलता है, जिसे खोलकर हम एक नए डॉक्यूमेंट पर काम कर सकते हैं। इस नए डॉक्यूमेंट में हम किसी भी भाषा में किसी भी प्रकार से अक्षरों की बनावट के आधार पे, अक्षरों के साइज के आधार पे, भाषा के आधार पे, रंग के आधार पे, अनेक प्रकार से उसमें अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। जो वर्णन हमें लिखना है, जिसका एक मुद्रित रूप, प्रिंटिंग के रूप में हमें जिसका रूप प्राप्त करना है, तो इसके लिए जो प्रक्रिया है वो है कि न्यू विकल्प का सबसे पहले प्रयोग किया जाए, या जब सबसे पहले हम वर्ड प्रोसेसर में वर्ड को खोलते हैं तो उसमें हमें एक नया पृष्ठ मिलता है, उस पर भी हम लिखकर अपना कार्य कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले फाइल मेनू में जाया जाता है और फाइल मेनू के ऊपर माउस के बाएं बटन को दबा करके एक डायलॉग बॉक्स हमें दिखाई देगा, एक पुल डाउन मेनू हमारे सामने खुलेगा, जिसमें न्यू का विकल्प होगा। इस न्यू के विकल्प पर फिर से माउस के बाएं बटन को दबा करके हम उसका उपयोग कर सकते हैं। यहां पर फिर से हमारे सामने एक नया पृष्ठ खुल जाता है, एक नया डॉक्यूमेंट खुल जाता है, जिसका उपयोग हम कर सकते हैं, जिसमें लिख सकते हैं और उसका मुद्रित रूप प्रिंट भी प्राप्त कर सकते हैं। अब जब हमारे पास एक नया डॉक्यूमेंट खुल गया है और जिसपे हम कार्य करना चाहते हैं या कार्य करेंगे, उसमें यदि हमें ये लगता है कि किसी प्रकार की कोई गलती हमारे द्वारा हो रही है, हम कुछ बदलना चाहते हैं उसमें, तो इसके लिए वह हमें अनेक विकल्प देता है। जैसे इसमें जिसकी शुरुआत की जाती है वो है कि सबसे पहले टेक्स्ट टाइपिंग और डिलीटिंग। टेक्स्ट टाइपिंग, सबसे पहले टेक्स्ट को टाइप किया जाता है। टेक्स्ट को टाइप करने के लिए, जैसा कि हमने पहले बात की कि फाइल मेनू में न्यू का विकल्प है, या जैसे कि हम वर्ड प्रोसेसर को खोलेंगे हमारे सामने एक नया डॉक्यूमेंट खुलेगा, तो दोनों ही तरह से हमारे पास विकल्प है। इसके लिए हमें करना ये होगा कि उस नए डॉक्यूमेंट में हमें माउस के बाएं बटन को क्लिक करना होगा, और जैसे ही हम माउस के बाएं बटन को क्लिक करेंगे, हमारे सामने कर्सर आ जाएगा, और कर्सर आने के बाद हम अपनी इच्छा अनुसार उसमें लिख सकते हैं। अब इच्छा अनुसार लिखने के बाद हमने यदि कुछ उसमें से हटाना है, किसी भाग को डिलीट करना है, जिसमें एक वर्ण, एक शब्द, एक वाक्य, एक पैराग्राफ या पूरा का पूरा जो डॉक्यूमेंट है वो, उसको भी डिलीट किया जा सकता है, उनमें सुधार किया जा सकता है। और इसके लिए सबसे पहले हमें करना ये होगा कि टेक्स्ट ब्लॉक को चुनना पड़ेगा। टेक्स्ट ब्लॉक को
चुनना। टेक्स्ट ब्लॉक को चुनने के लिए हम ये कर सकते हैं कि पहले हमें ये निर्धारित करना होगा कि हमें कौन सा टेक्स्ट ब्लॉक चुनना है, अर्थात सुधार हमें कहाँ करना है, कहाँ डिलीट करना है, कहाँ उसमें पुनः से लिखना है, कहाँ टाइपिंग हमें फिर से करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक अक्षर को चुनना, यदि हमें किसी एक अक्षर विशेष को डिलीट करना है, उसमें सुधार करना है, तो हम केवल उस एक अक्षर विशेष को ही चुनेंगे। और इसको चुनने के लिए हम माउस की सहायता से कर्सर को उस अक्षर के दाएं या बाईं तरफ लेकर जाएंगे और फिर माउस के बाएं बटन को दबाते हुए माउस को बाएं या दाएं ड्रैग करेंगे। बाएं या दाएं माउस को ड्रैग करना या घुमाने से हमारा तात्पर्य ये है कि यदि हमारा कर्सर उस अक्षर के बाईं तरफ है तो हम माउस को दाईं तरफ घुमाएंगे और यदि कर्सर दाईं तरफ है तो माउस को हम बाईं तरफ घुमाएंगे, जिससे कि वह अक्षर चुना जाएगा और उसका उसके ऊपर एक नीले रंग की छाया आ जाएगी। तो इस तरह से हम उस एक अक्षर को चुनकर उसे वहां से हटा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, उसकी जगह नया अक्षर लिख सकते हैं, उनमें किसी तरह का कोई परिवर्तन कर सकते हैं, उसका आकार घटा या बढ़ा सकते हैं, उसका रंग है वो बदल सकते हैं, उसे बोल्ड या इटैलिक इत्यादि रूपों में परिवर्तित भी कर सकते हैं, उसे अंडरलाइन भी किया जा सकता है। और इसी प्रक्रिया को करते हुए हम एक अक्षर की बजाय एक से अधिक अक्षरों को भी चुन सकते हैं। प्रक्रिया वही रहेगी जो हमने एक अक्षर को चुनने के लिए की थी। इसी प्रकार से एक से अधिक अक्षरों को चुनना, एक शब्द को चुनने के लिए भी उसी प्रक्रिया को अपनाया जाएगा और एक पंक्ति या एक लाइन को चुनने के लिए भी इसी प्रक्रिया को चुना जाएगा, इसी प्रक्रिया के द्वारा ये किया जाएगा। और इसी प्रकार से पूरे पैराग्राफ को भी इसी प्रक्रिया से चुना जा सकता है। यदि हमारा कर्सर पैराग्राफ के बाईं तरफ है, जहां से पैराग्राफ शुरू हो रहा है उसमें बाईं तरफ है उसके, तो हम माउस को दाईं तरफ घुमाएंगे उसके बाएं बटन को दबाने के बाद। और यदि हमारा कर्सर उस पैराग्राफ के दाईं तरफ है तो हम माउस के बाएं बटन को दबाते हुए उसको बाईं तरफ घुमाएंगे। इस तरह से ये दो तरह से उसको सेलेक्ट किया जा सकता है, पैराग्राफ को इस तरह से चुना जाता है। और इसी प्रकार यदि हमने पूरे डॉक्यूमेंट को चुनना पड़े, यदि हमें डॉक्यूमेंट को चुनना, पूरे एक डॉक्यूमेंट को चुनना है, तो इसके लिए हम हमारे पास जो विकल्प है वो विकल्प ये है कि हम कंट्रोल प्लस ए, इन दोनों की का एक साथ प्रयोग करते हैं, कंट्रोल और उसके साथ ए नाम की जो की है उन दोनों को एक साथ दबाते हैं तो पूरा डॉक्यूमेंट है वो हमारे पास एक साथ सेलेक्ट हो जाता है। और इसी प्रकार यदि हम यह काम माउस की सहायता से करना चाहते हैं तो हम मेन्यू बार पर जाकर के एडिट का जो ऑप्शन है, एडिट का ऑप्शन है, उसमें जाकर के सेलेक्ट ऑल नामक विकल्प को चुन सकते हैं। और सेलेक्ट ऑल विकल्प को चुनने के साथ ही हम उस पूरे डॉक्यूमेंट को एक साथ चुन लेंगे। ये विकल्प हमारे साथ रहेगा कि पूरे डॉक्यूमेंट को हम एक साथ चुन सकते हैं। और यहाँ इतना करने के बाद, चाहे हमने एक अक्षर को चुना है, एक से अधिक अक्षरों को चुना है, या हमने पूरे पैराग्राफ को चुना है, या हमने एक लाइन को चुना है, एक शब्द को चुना है, पूरे डॉक्यूमेंट को चुना है, कहीं भी कोई भी चुनाव किया है, तो वहाँ उसमें अपनी मनचाहा परिवर्तन उस भाग में किया जा सकता है। हम उस पूरे को हटा सकते हैं, हम उस पूरे का आकार बदल सकते हैं, हम उसके अक्षरों की बनावट बदल सकते हैं, उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, बोल्ड इटैलिक उसके संपूर्ण भाग को या किसी एक भाग को, एक से अधिक भागों को कर सकते हैं।
लेकिन इसको करने के लिए हमें सबसे पहले उस भाग को चुनना पड़ेगा। इसमें परिवर्तन करने के बाद जो परिवर्तन हुआ है, अब उसमें यदि हमने जो परिवर्तन किया है वो हमारी इच्छा अनुसार नहीं है, या जो परिवर्तन हमने किया है वो केवल हमने जांचने के लिए किया है कि इस तरह का परिवर्तन यदि किया जाए तो हमारा डॉक्यूमेंट कैसा लगेगा, तो हम उस पूर्व की स्थिति में पहुंचना चाहें, तो हमारे पास एक विकल्प आता है जिसे कहा जाता है अंडू और रीडू। ये दो प्रकार की कमांड हमारे पास होती है जिससे हम जो कार्य हमने तत्काल किया है उस कार्य में एक कदम पीछे चले जाते हैं, और जब एक कदम पीछे हम चले जाते हैं तो वो पुनः एक कदम आगे आने के लिए भी हमारे पास इसी तरह की एक कमांड है। मान लीजिए कि हमने एक किसी डॉक्यूमेंट में कोई कार्य किया और अपनी इच्छा अनुसार हम उसमें कोई परिवर्तन करना चाहते हैं। जिस तरह से यहां हम देख रहे हैं कि हमने इसी शब्द को बदलना है, इसका आकार बड़ा करना है, तो सबसे पहले इसको हमारे द्वारा चुना जाएगा, और जैसे हम इसको चुन लेंगे और इसके बाद हम सीधा एडिट मेन्यू में जाएंगे। एडिट मेन्यू में जाने के बाद एडिट मेन्यू में हमें अंडू नाम की एक कमांड मिलेगी। उस अंडू कमांड पर जैसे ही हम कर्सर के बाएं बटन को दबाएंगे, जिस अक्षर को हमने चुना है उसमें जो परिवर्तन हम चाहते हैं वो हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि संपूर्ण जो हमने अंतिम क्रिया की है उस अंतिम क्रिया में ये परिवर्तन होगा, जैसे सबसे अंत में हमने जो लिखा है वो वहां से हट जाएगा, लेकिन उसे हम हटाना नहीं चाहते हैं, तो हमारे पास विकल्प है कि हम इसके बाद रीडू नाम की हमारे पास एक और कमांड है जिसका प्रयोग करके हम उसे पुनः उसी स्थिति में एक कदम आगे की स्थिति में जा सकते हैं। इस विकल्प का प्रयोग करने के लिए हमारे पास दो विकल्प हैं, एक कि हम मेनू बार में जाएं और एडिट मेनू में जाने के बाद अंडू या रीडू जिस कमांड का उपयोग करना चाहते हैं उसका उपयोग करें। दूसरा हमारे पास विकल्प ये होता है कि हम सीधे कीबोर्ड की सहायता से भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें कंट्रोल और उसके साथ जेड का यदि प्रयोग किया जाए तो हम अंडू कमांड का प्रयोग ऐसे कर सकते हैं, और यदि हम कंट्रोल प्लस वाई का प्रयोग करें तो ये रीडू का काम करेगी। अर्थात जो काम हम मेनू बार में एडिट में जाके अंडू और रीडू कर सकते हैं वही काम हम सीधे से बिना एडिट के विकल्प में जाए ही सीधा सा कीबोर्ड के द्वारा कर सकते हैं। और ये इसमें एक विकल्प और भी वर्ड प्रोसेसर हमें देता है कि जो काम किया जा रहा है उसमें हम एक नहीं एक से अधिक कदमों तक, या कहें एक से अधिक जो क्रियाएं हमने की हैं उन तक पीछे या आगे जा सकते हैं। इसके लिए करना वही प्रक्रिया को दोहराना पड़ेगा कि हम कंट्रोल और जेड को बार बार दबाते जाएं जिससे कि हम एक एक कदम एक एक क्रिया पीछे चलते जाएंगे, और कंट्रोल और वाई को दबाएंगे तो वापस उन क्रियाओं को प्राप्त करते जाएंगे। और इसी तरह से मेनू बार में जाकर एडिट मेनू में जाकर अंडू कमांड या रीडू कमांड का बार बार उपयोग करके एक एक कदम आगे या एक एक कदम पीछे जाया जा सकता है। अब इसके बाद वर्ड प्रोसेसर हमें कुछ और भी सुविधाएं देता है जैसे कट, कॉपी और पेस्ट। कट, कॉपी, पेस्ट। कट, कॉपी, पेस्ट का ऑप्शन हमारे लिए एक अपने आप में बड़ा सुंदर, बड़ा अच्छा और बड़ा बेहतरीन विकल्प है, क्योंकि इसके द्वारा हम ये कर सकते हैं कि किसी डॉक्यूमेंट में जो हमने लिखा है वो हमें उस स्थान से हटाना है और उसकी जगह हमने उसे किसी दूसरी जगह पर स्थापित करना है, तो इसके लिए हमें उसको डिलीट करने की आवश्यकता नहीं है, हम उसे वहाँ उस स्थान से कट करके दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हैं। और यदि हम ये चाहते हैं कि जिस जगह पर हमने कुछ लिखा है, किस ऊपर लिखे हुए किसी भी शब्द को, किसी वाक्य को, किसी
भी पैराग्राफ को हमने नीचे फिर से प्रयोग में लाना है हूबहू, तो हम उसकी कॉपी कर लेते हैं और उसको उसकी कॉपी करके दूसरी जगह उसे पेस्ट किया जा सकता है, जिससे हमें उसकी एक कॉपी और प्राप्त हो जाएगी और वो जहां से हमने कॉपी किया है वहां वह वैसा का वैसा रहेगा और नीचे दूसरी जगह जहां पेस्ट किया है वहां एक और उसकी प्रति तैयार हो जाएगी, जबकि कट में जिस स्थान से उसे कट किया गया है वहां से वो बिल्कुल ही हट जाएगा। तो इसके लिए हमें करना ये होता है कि सबसे पहले हम ये करें कि उस पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट या उसके एक भाग, एक पैराग्राफ, एक पंक्ति, एक शब्द जिसका भी हमने हटाना है, कट करना है, उसको पहले चुना जाएगा और चुनने के बाद इच्छित स्थान जहां पर हम उसको पेस्ट करना चाहते हैं वहां पर उसकी उसको पेस्ट किया जाएगा, वहां पहले कर्सर ले जाया जाएगा और वहां पर उसे पेस्ट कर दिया जाएगा। पेस्ट कट कॉपी करने के लिए हमें मेनू बार में, एडिट मेनू में जाना पड़ेगा। मेनू बार में, एडिट मेनू में जाने के बाद हमें उसमें कट का एक ऑप्शन मिलेगा, तो जब जैसे ही हम कट के ऑप्शन पर माउस के बाएं बटन को दबाएंगे वैसे ही जो भाग हमने चुना हुआ है वह वहां से कट हो जाएगा। इसके बाद जहां हम उसे पेस्ट करना चाहते हैं वहां हम माउस की सहायता से अपने कर्सर को लेकर जाएंगे और कर्सर लेके जाने के बाद पुनः से मेनू बार पे एडिट मेनू में जा करके पेस्ट के बटन को, पेस्ट के जो विकल्प है, ऑप्शन है, उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और इससे होगा ये कि वो जो जिस बात को, जिस तथ्य को हमने वहाँ से कट किया है वह नीचे उस इच्छित स्थान पर पेस्ट हो जाएगा। और इसी तरह से इसी प्रक्रिया को करते हुए एडिट मेन्यू में जाकर उस चुने हुए टेक्स्ट की हम कॉपी कर सकते हैं और इच्छित स्थान पर पेस्ट के माध्यम से एक नई प्रति उसकी तैयार कर सकते हैं। तो ये तो था विद्यार्थियों, एक नया डॉक्यूमेंट खोलना, उसमें टाइपिंग करना, डिलीट करना, कट कॉपी पेस्ट करना, एडिट करना, उसको लिखना। अब इसके बाद है कि जो फाइल हमने बना ली है, जो डॉक्यूमेंट हमने बना लिया है, उसको हम सेव कैसे करें, उसे उसमें संरक्षित कैसे करें। तो इसके लिए करना हमें ये होगा कि जैसे ही हमने कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया उसके बाद मेनू बार पे एक फाइल का ऑप्शन हमें दिखाई देता है। इस फाइल के ऑप्शन में हम जाएंगे तो हमें एक पुल डाउन मेनू दिखाई देगा। जैसे ही हम इस फाइल के नाम पर, फाइल जहां पर लिखा हुआ है वहां पर माउस के बाएं बटन को दबाएंगे तो फाइल का एक पुल डाउन मेनू हमारे सामने खुल जाएगा, जिसमें हमारे पास कई विकल्प होंगे और जहां से हम अपने बनाए उस डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। इसको हम सेव कर सकते हैं यहां पर आके, और सेव करने के लिए जैसे ही हम सेवेज का बटन दबाएंगे, सेव के ऊपर क्लिक करेंगे, हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसमें हम अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार उसे जिस स्थान पर सेव करना चाहते हैं उस स्थान पर सेव कर सकते हैं, जिसमें सबसे ऊपर हमारे पास ऑप्शन होगा कि हम किस स्थान पर सेव करेंगे। जैसे ही हम इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे हमारे सामने एक इसी के अंदर नया डायलॉग बॉक्स खुलेगा और जिसमें हम माई कंप्यूटर, माई डॉक्यूमेंट या डेस्कटॉप इत्यादि इत्यादि स्थानों पर, अलग अलग जगह पर फाइल और फोल्डर्स में अलग अलग सेव कर सकते हैं। इस फाइल का नाम भी हमें एक निश्चित स्थान पर देना होता है, नाम ऐसा हो जो हमें हमेशा के लिए याद हो, जिसे हम दोबारा से खोलना चाहें तो आसानी से खोल सकें। तो उस इच्छित स्थान पर हम उसे सेव कर सकते हैं। ये कार्य बिना मेनू बार में जाए ही, मेनू बार में जाए बिना ही किया जा सकता है। ये सीधे कीबोर्ड की सहायता से कंट्रोल एस को दबा करके भी किया जा सकता है। कंट्रोल एस को दबाने के बाद इसी तरह का एक डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आएगा, आगे की प्रक्रिया इसी प्रकार की रहेगी। यदि हमने पहले से कोई फाइल बना रखी है, कोई डॉक्यूमेंट बना रखा है और उसको संरक्षित भी किया गया है, तो उस संरक्षित डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए हमारे पास फिर से विकल्प होता है कि जिसके लिए हम को फिर मेनू बार पे फाइल नाम के ऑप्शन पे जाना होगा और हमें उसमें ओपन का एक ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर क्लिक करके हम फाइल को ओपन कर सकते हैं। और जब हम इसमें ओपन
के ऊपर माउस का बायां बटन दबाएंगे तो हमारे सामने इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा और जिसमें से हम ये चयन कर सकते हैं कि फाइल है वो कहाँ संरक्षित की गई है, कहाँ सेव की गई है, जिसको हम खोलना चाहते हैं। जिस फाइल को हम खोलना चाहते हैं उसका नाम हमारे द्वारा यहाँ दे दिया जाता है या किसी विशेष फोल्डर के अंदर है तो उस फोल्डर का नाम ऊपर के इस आइकन में दिया जाता है। और फाइल का नाम देने के बाद जब ओपन बटन पर क्लिक किया जाता है तो वह इच्छित फाइल है खुल जाती है। कंट्रोल प्लस ओ के द्वारा भी फाइल को ओपन किया जा सकता है, लेकिन इच्छित फाइल का नाम हमें पता होना आवश्यक है। अब इसके बाद की जो बात आती है वो आती है डाटा प्रोसेसिंग की, कि डाटा क्या है, उसकी प्रोसेसिंग क्या होती है, कैसे होती है, या सबसे पहले कि डाटा कहाँ किसे जाता है। डाटा प्रोसेसिंग है कि डाटा को एकत्रित करना, जो भी किसी भी प्रकार की जानकारी हमारे पास आती है वह सब हमारे लिए डाटा है। जैसे विद्यालय की बात की जाए तो विद्यालय में विद्यार्थियों का रिपोर्ट कार्ड है, उनका प्रगति पत्र है, उसमें उनकी कई प्रकार की जानकारियां हमें दी हुई मिलती है। कई प्रकार की जानकारियों में जैसे उनका नाम है, पिता का नाम है, उनका पता है, उनका फ़ोन नंबर है, जन्मतिथि है, किन किन विषयों में क्या क्या उन्होंने प्राप्त किया है, वो प्राप्तांक भी उसमें दिए होते हैं, तो वो उस छात्र विशेष का डाटा होता है, वो छात्र विशेष की जानकारी उसमें दी जाती है। इसी तरह से अन्य अन्य क्षेत्रों में भी उससे संबंधित जो जानकारियां प्राप्त होती है वो डाटा कहलाता है और उसको एकत्रित करने का कार्य है वो डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। और इसी चीज को कंप्यूटर के संबंध में भी जोड़ा जाता है, कंप्यूटर का भी इससे संबंध होता है। कंप्यूटर का इससे संबंध है वो दो तरह का माना जाता है, एक तो लॉजिकल और दूसरा फिजिकल। लॉजिकल या तर्कसंगत अवधारणा इसकी और दूसरी है भौतिक अवधारणा। डाटा प्रोसेसिंग की एक तो लॉजिकल अवधारणा या तर्कसंगत अवधारणा और दूसरी है फिजिकल या भौतिक अवधारणा। भौतिक अवधारणा में कि डाटा क्या है, किस किस प्रकार का है, उसमें उसकी कौन कौन सी बातें बताई गई हैं जिनको हम देख सकते हैं, जैसे नाम है, जन्म तिथि है, प्राप्तांक है, पता है, फोन नंबर है, इत्यादि इत्यादि, जिनको प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है, जिनको प्रत्यक्ष रूप से परिवर्तित भी किया जा सकता है। दूसरी चीज है लॉजिकली कि उसका संगठन कैसे है, वो बना कैसे है, किस प्रकार से आया है, वो जो उसका स्वरूप को निर्धारित करता है वो है उसका लॉजिकली अवधारणा। अब डाटा के जो प्रकार हैं वो भी कई प्रकार के डाटा हो सकते हैं, उसकी प्रोसेसिंग कई प्रकार से हो सकती है। जैसे मैनुअल प्रोसेसिंग, डाटा प्रोसेसिंग है वो मैनुअल प्रोसेसिंग, दूसरा उसका प्रकार है वो है मैकेनिकल प्रोसेसिंग, मैकेनिकल प्रोसेसिंग। तीसरी डाटा प्रोसेसिंग का प्रकार हो सकता है इलेक्ट्रोमैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोसेसिंग। और चौथी जो प्रोसेसिंग का प्रकार है वो है इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग। कुल चार प्रकार की प्रोसेसिंग अलग अलग प्रकार से मानी गई है। इसके बाद वर्ड प्रोसेसर हमें एक और विशेष चीज उपलब्ध करवाता है, एक और बड़ी अच्छी और बड़ी ही हमारे काम आने वाली चीज है, वो है फॉन्ट प्रबंधन। फॉन्ट प्रबंधन, फॉन्ट प्रबंधन हमारे लिए एक बड़ी ही महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि इस फॉन्ट प्रबंधन के द्वारा हम वर्ड प्रोसेसर में अनेक तरह के कार्य कर सकते हैं। फॉन्ट प्रबंधन के द्वारा हम ये कर सकते हैं कि हम किसी भी
भाषा में अपनी बात को लिख सकते हैं। फॉन्ट प्रबंधन यह हमें सुविधा देता है कि हम जब चाहें जैसे चाहें अपनी भाषा को बदल सकते हैं, हम जब चाहें जहां चाहें अपने अक्षरों के आकार को घटा या बढ़ा सकते हैं, हम जहां भी चाहें उनके रंग को बदल सकते हैं, हम उन्हें अलग अलग प्रकार से अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। और इसके लिए हमें अनेक प्रकार की सुविधाएं फॉन्ट प्रबंधन या फॉन्ट का जो ऑप्शन है हमारे पास, वह फॉन्ट का ऑप्शन ये चीजें हमें देता है। फॉर्मेटिंग टूल बार में फॉन्ट का ऑप्शन हमें प्राप्त होता है, जिसमें हमें मिलता है फॉन्ट का साइज। फॉन्ट का साइज, यहां हम ये देखते हैं कि हम कोई भी डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, उसमें उसकी हेडिंग हमने देनी है, तो वो हेडिंग किस प्रकार की हो, कितनी बड़ी हो, उसका टाइप कैसा हो, अक्षरों का साइज है वो कितना बड़ा हो, ये हम उस फॉन्ट के साइज से निश्चित कर सकते हैं। यदि हमें पहले से पता है कि हमारे अक्षरों का साइज कितना होना चाहिए, तो हम उसे अपने डॉक्यूमेंट को टाइप करने से शुरू करने से पहले ही निर्धारित कर सकते हैं। लेकिन यदि हमने पहले टाइप कर लिया है और उसके बाद में आकार को घटाना या बढ़ाना है, तो हम पहले उस जिस पंक्ति या शब्द के आकार को घटाना या बढ़ाना है उसको चुनेंगे, पहले उसका चयन किया जाएगा। और चयन के लिए पूर्व में जो प्रक्रिया हमने अनेक जगह अक्षरों को चुनने के लिए की थी, वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। कर्सर माउस की सहायता से उसके पास ले जाया जाएगा और माउस के बाएं बटन को दबाते हुए दाएं या बाएं घुमा करके उस पंक्ति शब्द या पैराग्राफ को चुन लिया जाएगा। चुनने के बाद जब हम फॉन्ट साइज ऑप्शन के अंदर जाएंगे और जैसे ही हम अलग अलग साइज के ऊपर अपने माउस की सहायता से कर्सर को लेकर जाएंगे, तो उसमें नीचे जिसको सेलेक्ट किया गया है पीछे, उसका आकार है वो कम और ज़्यादा हमारी इच्छा अनुसार दिखाता चला जाएगा। जितना इच्छित है उस आकार को हम स्वीकार कर सकते हैं। ये तो था फॉन्ट का साइज। दूसरा आता है बोल्ड। बोल्ड इस ऑप्शन के माध्यम से हम यह देखते हैं कि कर ये सकते हैं कि हम किसी भी अक्षर को गहरे काले अक्षर के रूप में दिखा सकते हैं। जहां हमारे डॉक्यूमेंट में हमें यह आवश्यकता होती है कि हम किसी भी अक्षर को, किसी भी वाक्य को, किसी भी शब्द को गहरे काले रंग में दिखाएं, ताकि वह कोई विशेष अक्षर है उसको अलग से दिखाया जाना आवश्यक है, तो वह हम उसे दिखा सकें। और उसे दिखाने के लिए सबसे पहले हमें वही प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी जो हमने पहले फॉन्ट का साइज बदलने के लिए किया था, कि सबसे पहले उसे चुना जाएगा। चुनने के बाद उसको चुन करके हम उसे बोल्ड के ऑप्शन पर जाएंगे। फॉन्ट प्रबंधन फॉन्ट का जो ऑप्शन है उसमें बोल्ड का ऑप्शन मिलेगा और उस पर क्लिक करके उस विकल्प का प्रयोग करके हम उसे बोल्ड कर सकते हैं। इसी तरह से है इटालिक। इस ऑप्शन का प्रयोग करके हम उसे कुछ तिरछा या विशेष प्रकार का तिरछा दिखा सकते हैं, जिससे कि वो देखने में अपने आप में आकर्षक लगे और एक अंतर अन्य अक्षरों की बजाय उसमें कुछ अंतर दिखाई दे सके। यह ऐसा ये दोनों ही जो ऑप्शन है हमारे पास, चाहे बोल्ड है चाहे इटालिक है, उन दोनों का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि कहीं किसी भी डॉक्यूमेंट में हमें किसी विशेष बात को दिखाना होता है जो बड़े बड़े अक्षरों में आनी चाहिए, जैसे किसी भी आवेदन के लिए उसकी अंतिम तिथि को बताना है, उसकी योग्यता को बताना है, किसी के कहे हुए शब्दों को दिखाना है, किसी पुस्तक विशेष का नाम आया है, इस तरह की जो चीजें हैं उनको दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसी तरह फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर इस विकल्प का उपयोग हम उसके रंग को बदलने के लिए करते हैं और इसी तरह से हम उन पंक्तियों के बीच में जो स्पेस है, जगह है, उसको निर्धारित करते हैं। अंडरलाइन का प्रयोग किसी वाक्य विशेष, शब्द विशेष को अंडरलाइन करने के लिए करते हैं। नंबरिंग करने के लिए भी फॉन्ट हमें सुविधा उपलब्ध करवाता है। स्पेस है वो किस तरह का दिया जाना है, हमारे डॉक्यूमेंट की आवश्यकता क्या है, सिंगल स्पेस दिया जाए, उसे ज़्यादा स्पेस दिया जाए, या
हाईलाइट करने का भी ऑप्शन हमारे पास होता है, लैंग्वेज अर्थात भाषा को बदलने का भी ऑप्शन वर्ड प्रोसेसर हमें देता है। तो इस तरह से फॉन्ट प्रबंधन है वो हमें कई तरह के ऑप्शन देता है जिससे हम अपने डॉक्यूमेंट को एक अच्छा, सुंदर और आकर्षक बना सकते हैं। लेकिन इन सभी का प्रयोग करने से पहले हमें इन्हें चुनना आवश्यक है। विद्यार्थियों, ये तो था भाषा कंप्यूटिंग के अंतर्गत वर्ड प्रोसेसिंग और फॉन्ट प्रबंधन। आगे की क्लास में हम अध्ययन करेंगे पत्रकारिता का। धन्यवाद।